कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया था। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया था। चक्का जाम का देश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक असर दिखाई दिया। किसानों ने सिर्फ 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया था और 3 बजे से समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया। इस दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। घड़ी में दिन के 12 बजे थे और देश के लगभग सभी हाईवे बंद कर दिए गए थे। किसानों ने 12 बजे से 3 बजे तक देश में चक्का जाम का ऐलान किया था और इसका असर भी दिखाई दिया। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हर तरफ बंद का असर दिखाई दिया। यूपी को चक्का जाम से दूर रखा गया था, लेकिन फिर भी यमुना एक्सप्रेस वे पर किसानों ने जाम लगाया। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी किसानों के चक्का जाम का खुलकर समर्थन किया। दिल्ली में आप और वामपंथी संगठन के लोग सड़क पर उतरे और कुछ समय के लिए सड़क पर जाम भी लगाया, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उन्हें रास्ते से हटाकर यातायात सामान्य कर दिया। हरियाणा और पंजाब में इसका जबरदस्त असर दिखा और अधिकांश हाईवे पर लंबे लंबे जाम लग गए। इस दौरान किसानों ने जाम में फंसे लोगों को चाय और खाने पीने का सामान देने के अलावा उन्हें हुई परेशानियों के लिए माफी भी मांगी। इसके अलावा रांची कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। बेंगलुरु में भी किसानों ने चक्का जाम किया। बेंगलुरु में येलहंका पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी किसानों ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी थी। आज के चक्का जाम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। यह आंदोलन देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे। इसमें राजनीति वाले कहां हैं, यहां कोई नहीं आ रहा है। ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। हम दिल्ली की एक एक कील निकाल कर जाएंगे। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम कहीं नहीं जा रहे। सरकार को किसानों से कोई लगाव नहीं है, उसे सिर्फ व्यापारियों की चिंता है। सरकार से जब भी बात होगी, बराबरी की होगी। यूपी और उत्तराखंड में कुछ हंगामा करने वाले थे, इसलिए वहां चक्का जाम नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर मचे हंगामे को देखते हुए आज राजधानी दिल्ली में पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती की गई थी। 10 मेट्रो स्टेशन से प्रवेश और एग्जिट बंद कर दिया गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।